हरिओम फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए, देखिए 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने नाइट सूट बनाया है। तो आज हम इस तरह का नाइट सूट बनाएंगे। ये हमने पैंट बनाई है और ये टॉप और ये हमने कैप बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी का नाइट सूट बनाएंगे। उसके लिए मैंने, देखिए यहाँ पे 2 कलर की वुल ले रखी है, येलो और मैजेंटा। आप अपनी पसंद का कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने क्रोशिया लिया है वो मैंने 12 नंबर का लिया है। देखिए फ्रेंड्स, नाइट सूट बनाने के लिए आप बारीक क्रोशिया यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यहाँ पर नोट बना रही हूँ और 3 नंबर के लिए हम इसमें 14 चैन बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 14 चैन बना ली है और उसके बाद हम, देखिए, 1 2 और 3 चैन को एक्स्ट्रा बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो जाएगा, 14 ये हो जाएंगे और एक ये हो गया, तो 15 हो गए। ठीक है, अब हम एवरी चैन में इसी तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाएंगे और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, एवरी चैन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर, देखिए, 1 2 और 3 चैन लेंगे। उसके बाद हम एवरी चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सेकंड रो को कंप्लीट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आगे हम एक नेक्स्ट रो और करेंगे। इसमें हम, ये देखिए, यहाँ पर 2 चैन लेंगे और देखिए यहाँ पर इस तरह से डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अगर आप 4 नंबर का बनाएं तो आप यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएं, अगर आप 3 नंबर के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से डबल हाफ क्रोशिया बनाएं। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 3 बार बना लिया है, 1 2 और 3, और फोर्थ वाली जो चैन आएगी उसमें हम 2 बार बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे, 3 बार सिंगल और फोर्थ में डबल बार हाफ क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थर्ड रो को कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारे चैन्स आए हैं ये 34 आए हैं, तो अगर हमारे ये 36 आते तो इसको हम 6 से डिवाइड कर लेते, बट अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 30 होता है, तो 5 5 करते हो इससे मतलब कि 30, तो हमारे 4 इसमें ज़्यादा है जो कि हम उसको बाजू में एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको बांटेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, 1 2 चैन लेंगे। ठीक है, ये देखिए, 1 2 3 4 5 आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 ले लिए हमने, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 चैनों को हम स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट में इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 10 डबल क्रोशियाज बना लिए हैं और अब इसके बाद हम 7 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को स्किप करने के बाद फिर हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशियाज और बना देंगे। यहाँ देखिए हमारी 1 2 3 4 5, 5 चैन बची हैं, तो इसमें मैं 5 बार डबल क्रोशिया को बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5 बार डबल क्रोशिया आगे बना लिए हैं। अब हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर देखिए 1 2 चैन बनाएंगे। अब हम एवरी चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वाली एवरी चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए, तो इस रो को मैं इस तरह से कंप्लीट करती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स इस रो को भी मैंने इस तरह से कंप्लीट कर दिया है डबल बनाते हुए। और अब हम यहाँ पर एक चैन लेकर इस धागे को कट कर लेंगे। बस हमें इतनी सी ही टोप चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे हम इसको, क्योंकि हमने ये नाइट सूट बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स अब आपको मैं इसमें साइड में जो डिज़ाइन डालूंगी इससे थोड़ा अलग डालूंगी। इस तरह की किनारी मैंने अपनी अदर वीडियोज़ में बनानी बताई हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसकी किनारी बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स किनारी शुरू करने के लिए हम ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे और इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से अब हम इसको शुरू करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम इस कलर को ऐड करेंगे इस तरह से, इस तरह से कर लेंगे हम, ठीक है। ये देखिए एक चैन बनाई हमने, और ये देखिए ये दूसरी चैन, और यहाँ पर अब हम तीसरी चैन बनाते हैं, ठीक है। और फिर हम एक दो तीन चैन बनाई। अब इस चैन को हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। और फिर हम इसी चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। फिर से देखिए एक बार बनाया, दो बार सिंगल क्रोशिया बनाया, और जो तीसरी चैन होगी यहाँ पर ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम एक दो तीन चैन ली। और देखिए जो यहाँ पर लास्ट में होगा उसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। फिर हम इसी चैन में ये देखिए यहाँ पर इसी चैन में फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से दो बार इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए थर्ड वाली चैन में जाकर हम इस तरह से पल बनाते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ये रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी किनारी बनकर कुछ इस तरह से दिखाई देगी और फ्रंट से इस तरह से आएगी। और आगे हम इसकी फ्रेंड्स प्लेन बीडिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो इसी तरह की भी बीडिंग कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर प्लेन बीडिंग करूँगी। इसी तरह से मैं थोड़ी थोड़ी गैप में यहाँ पे दो दो बार इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाती जाऊँगी। देखिए इस तरह से, तो ये देखिए इसको मैं अब पूरा यहाँ से लेकर ये बैक से यहाँ तक इधर तक इसी तरह से बीडिंग करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए धागा हमारा जो है इसको हम इसी में ले लेंगे इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा ये लास्ट का कॉर्नर आएगा ये देखिए ऊपर से यहाँ पर हम चार बार बनाएंगे। ये देखिए हमारा कॉर्नर है ना, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये चार बार हाफ क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी ही तरीके से हम बैक के जो लास्ट वाला ये वाला किनारा आएगा वहाँ पर भी इस तरह से चार बार बना लेंगे। और बाकी सब हम यहाँ पर दो रो का गैप देते हुए इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स बीडिंग करते हुए हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हमने अब एक चैन को एक्स्ट्रा करते हुए धागे को कट करेंगे इस तरह से। देखिए और ये देखिए हमारा इस तरह से बन गया है। सेम इसी तरह से हम बाजू में बीडिंग करेंगे, ये देखिए यहाँ पर शो करेंगे, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसी तरह से बाजू पर बीडिंग कर लेंगे हाफ क्रोशिया करते हुए इस तरह से। अब हम दो ये देखिए दो डबल क्रोशिया को स्किप करके इस तरह से
बना लेंगे। और इसी तरह से फ्रेंड्स मैं दोनों तरफ बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी टॉप बनाकर रेडी कर ली है। और फ्रेंड्स अब आप चाहें यहाँ पर तो बटन लगा सकते हैं जिससे हमारी ये टॉप आगे से बंद हो जाएगी, या आप चाहें तो इस तरह से ये डोरी बनाकर भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें आपको डोरी बनाकर बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 30 के लगभग चेन्स बना ली हैं। और अब मैं इसमें, ये देखिए मैंने डोरी कुछ बना रखी है इस तरह का, मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए अब हम इसको किस तरह से डालेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इस डोरी को डालते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप क्रोशिए को उल्टा ले लें और इस तरह से डालते जाएं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस अब डोरी को आगे कर लूँगी, ये देखिए, ठीक है। तो मैं स्टोरी को यहाँ आगे तक डाल लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इसको एंटर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पूरा निकाल कर आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डोरी के लास्ट में हम इस तरह से अब हम बनाते जाएंगे एक ही चैन में। तो इसमें हम लगभग 8 या 9 बार इस तरह से डबल क्रोशे को बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब बनाने के बाद अब हम यहाँ पर जो यहाँ पर कनेक्ट कर कर इस धागे को कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डोरी ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई ताकि छोटी हमारी डोरी रहे तो पहनाने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गोपाल जी की टॉप बनकर रेडी हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें आपको पजामा बनाना बताऊंगी इस तरह का। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।